नमस्कार दोस्तों, माँ कात्यायनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव पांडे, आज से आप लोगों के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 के हिंदी के पदों का क्लास लेके आ रहा हूँ। बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों, आप क्लास ज्वाइन करें और हिंदी में आप अधिक से अधिक नंबर लाएं, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। आइए आज से हम लोग क्लास 10 के लिए सूरदास के पदों को पढ़ते हैं और इन पदों के अर्थ को समझते हैं। साथ में जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए भी अब क्लास चलेगा, तो आप अपने क्लास को निरंतर ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए पद को शुरू करते हैं। पहला पद है आपका, और पहला पद अक्सर परीक्षा में, क्लास 10th की परीक्षा में पूछा जाता है। पद है चरण कमल बंधु हरि राई, चरण कमल बंधु हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंधो हरि राई, चरण कमल बंधो हरि राई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस भगवान कृष्ण के कमलवत चरण की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा होने पर, जाकी कृपा पंग लंगे, जिनकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। देखिए, लंगे मतलब यहाँ पार करने से है, क्योंकि लांग नहीं सकता, पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को इस संसार में सब कुछ दिखाई देने लगता है। आगे कहते हैं कि जिस भगवान कृष्ण की कृपा होने से बहिरो सुने, बहरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। और रंग चले श्री छत्र धराई, एक गरीब दरिद्र व्यक्ति भी राजा बन जाता है। मैं उस भगवान कृष्ण के कमलवत चरण की वंदना करता हूँ। आगे कहते हैं सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा के स्वामी, हे दुखियों के दाता, मैं बार बार आपके कमलवत चरण की वंदना करता हूँ। पुनः देखेंगे, चरण कमल बंधो हरि राई, चरण कमल बंधो हरि राई। कहते हैं कि मैं उस भगवान कृष्ण के कमलवत चरण की वंदना करता हूँ। मित्रों, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले पद में जो चरण कमल बंधो हरि राई, ये पहली पंक्ति जो है, इस पंक्ति को आप रूपक अलंकार के उदाहरण के रूप में तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ रूपक अलंकार है। यहाँ चरण उपमेय है और कमल उपमान है, और चरण में कमल का सीधा आरोप हो रहा है, अतः यहाँ रूपक अलंकार होगा। आगे देखेंगे, कहते हैं कि मैं उस भगवान कृष्ण के कमलवत चरण की वंदना करता हूँ, जाकी कृपा पंगु लिंगे, जिनकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। कहते हैं आगे, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, उस भगवान कृष्ण की कृपा होने पर बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और एक दरिद्र व्यक्ति, एक भीख मांगने वाला व्यक्ति भी राजा बन जाता है। आगे कहते हैं सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा के स्वामी, हे दुखियों के दाता, मैं बार बार आपके कमलवत चरण की वंदना करता हूँ। अगला पद देखेंगे दोस्त मित्रों, कहते हैं अभिगत गति कछु कहत न आवे, जूंगूंगे मीठे फल को रस, जोंगूंगे
पावे अभिगत गति कछु कहत न आवे परम स्वाद सब ही सुनिरंतर परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो सऊपजावे अभिगत गति कछु कहत न आवे मन बानी को अगमय गोचर मन बानी को अगमय गोचर सो जाने जो पावे अभिगत गति कछु कहत न आवे रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे अभिगत गति कछु कहत न आवे सब विधि अगम विचार हिताते सब विधि अगम विचार हिताते सुर सगुण पद गावे अभिगत गति कछु कहत न आवे सुदा जी करे कि हे प्रभु अभिगत गति कछु कहत न आवे आपके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है या आपके बारे में कुछ कह नहीं पा रहे हैं। कहते हैं कि जो गूंगे मीठे फल रस को रस जिस तरह एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का आस्वादन मन ही मन करता है अंतर्गत ही भावे मन ही मन महसूस करता है लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता हे प्रभु ठीक वैसे ही परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो सऊपजावे हे प्रभु आपकी भक्ति में हमें निरंतर परम आनंद की प्राप्ति होती है जो मन में अनेक प्रकार के भावों को उत्पन्न कर देता है लेकिन हे प्रभु हम किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं। कहते हैं कि मन बानी को अगमय गोचर जो जाने जो पावे कहते हैं कि हे प्रभु आप मन और वाणी से परे हो अगमय गोचर मतलब मन और वाणी से परे हो जो आपको जानता है वही आपके भक्ति के आनंद को प्राप्त कर सकता है। आगे कहते हैं कि रे रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे हे प्रभु जो मूर्ख लोग हैं जो अज्ञानी जन हैं वो कहते हैं कि हे प्रभु आपकी कोई रूप रेखा नहीं है आपका कोई गुण नहीं है आपकी कोई जाति नहीं है जुगत मतलब संगत होता है आपकी कोई संगत नहीं है तो बिना किसी आधार के निरालंब बिना किसी आधार के कोई आपकी आराधना कैसे करे ये मूर्ख लोग कहते हैं। सूरज कहते हैं कि ये मूर्खों का विचार है। कहते हैं कि सब विधि अगम विचार हिताते सुर सगुण पद गावे सुधा जी करे कि हे प्रभु मैं हर प्रकार से आपके बारे में विचार विमर्श करने के बाद ही मैं सूरदास आपके गुणों को गा रहा हूँ। पुनः देखेंगे कहते हैं अभिगत गति कछु कहत न आवे हे प्रभु आपके बारे में कुछ कहते नहीं बनता या कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हैं कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतरगत ही भावे जिस तरह एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रसास्वादन करता है उसके आनंद को उसके स्वाद को मन ही मन महसूस करता है लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता हे प्रभु ठीक वैसे ही परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो सऊपजावे आपकी भक्ति करने में हमारे मन में निरंतर
एक परम आनंद की प्राप्ति होती है, जो मन में अनेक प्रकार के अच्छे भावों को उत्पन्न करती है, लेकिन हम किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं। कहते हैं कि मन बानी को अगमय गोचर सो जाने जो पावे। हे प्रभु, आप तो मन और वाणी से परे हो, आपकी व्याख्या नहीं की जा सकती, आपके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हे प्रभु, जो आपको जानता है वही आपके भक्ति के आनंद को प्राप्त कर सकता है। आगे कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। हे प्रभु, जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं कि आपकी कोई रूपरेखा नहीं है, आपके कोई गुण नहीं है, आपकी कोई जाति नहीं है, जुगत आपकी कोई संगत नहीं है, फिर बिना आधार के कोई आपकी आराधना कैसे करे, ये मूर्खों की बात है। कहते हैं कि सब विधि अगम भी चार हिताते सुर सगुण पद गावे। सुदासी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके बारे में हर प्रकार से विचार विमर्श करके ही आपके गुणों को गा रहा हूँ, आपके गुणों की बखान कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद।